बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न को लेकर जिला मुख्यालय पर विशाल सभा व रैली निकाल, राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न को लेकर आज जिला मुख्यालय पर विशाल सभा आयोजित कर रैली निकाली गई, जिससे जिले से बड़ी संख्या में हिंदू समाज शामिल हुआ। सभा का आयोजन अयोध्या धाम फुटबॉल मैदान पर हुआ, जहां से रैली के माध्यम से कारंजा, एमजी रोड, कचहरी रोड, पुराना कलेक्ट्रेट पर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या, घर, धार्मिक स्थानों को जलाने, महिलाओं के साथ अत्याचार, संतों की गिरफ्तारी करने की घटनाएं निरंतर हो रही है। इन सबके बाद भी बांग्लादेश सरकार मौन है। उक्त घटनाओं को लेकर हिंदू समाज में आक्रोश व्याप्त है। अगर बांग्लादेश सरकार ने सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई या उत्पीड़न जारी रहा तो अब हिंदू समाज बड़ा और उग्र आंदोलन करेगा। भारत का हिंदू बांग्लादेश के हिंदुओं अल्पसंख्यकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार एवं बांग्लादेश में हिंदू समाज के प्रति इस्लामिक दुराचार एवं अत्याचार के संबंध में विकासखंड सेगांव के सकल हिंदू समाज काफी आक्रोश व्याप्त है। इन मामलों में हिंदू समाज की महिलाएं एवं बच्चों व पुजारियों पर सतत हो रहे अत्याचारों के संबंध में माननीय महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम तहसीलदार अंतर सिंह कनेस को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के पूर्व स्थानीय बस स्टैंड से तहसीलदार कार्यालय तक सकल हिंदू समाज ने रैली निकालकर नारे लगाए गए। खरगोन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में लोगों का फूटा आक्रोश। गणेश मंदिर के सामने धरना प्रदर्शन के बाद हजारों लोग उतरे सड़कों पर। विरोध के चलते खरगोन में सराफा मार्केट सहित अधिकांश बाजार स्वेच्छा से व्यापारियों ने किए बंद। अनाज और कपास मंडी भी रही बंद। सकल हिंदू समाज और संतों की उपस्थिति में गणेश मंदिर परिसर में धरने के बाद निकली विशाल रैली। हजारों की संख्या में आक्रोशित लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम सौंपेंगे ज्ञापन। भोपाल में बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में विशाल रैली निकाली गई। सकल हिंदू समाज का प्रदर्शन। 2 किलो लंबी रैली में भाजपा नेताओं और आम जनता की भागीदारी। भारत माता चौराहे से रोशनपुरा तक गुंजी नारेबाजी। भोपाल में बुधवार को सकल हिंदू समाज के आह्वान पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत भारत माता चौराहा से हुई, जहां दोपहर 2 बजे से लोग एकत्रित होने लगे। इसके बाद 2 किलोमीटर लंबी रैली निकाली गई, जिसमें प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए रोशनपुरा चौराहे पहुंचे। यहां प्रदर्शनकारियों ने संभाग आयुक्त संजीव सिंह को ज्ञापन सौंपकर रैली का समापन किया। इस प्रदर्शन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय, मंत्री विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवान दास सबनानी, भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेश पचौरी, पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह, निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी समेत हजार लोग शामिल हुए। बुरहानपुर में भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ आज 4 दिसंबर को देशव्यापी आंदोलन और विशाल रैली के लिए नेहरू स्टेडियम में जनसभा के लिए करीब 50,000 सनातनी एकत्रित हुए। बुरहानपुर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर करीब 50,000 सनातनी एकत्रित हुए। मंच पर सभी जाति धर्मों के साधु संत भी मौजूद रहे। सभी ने एकत्र रहने की बात कही और जय श्री राम के जय घोष के साथ ही कहा कि कटेंगे तो बटेंगे, नहीं तो सेफ रहेंगे। वहीं भाजपा के नेता विधायक अर्चना चिट्टीस, विधायक मंजू दादू भी शामिल हुए। नेहरू स्टेडियम में करीब 50,000 हिंदू पहुंचे। नेहरू स्टेडियम से रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए तहसील कार्यालय पहुंची, जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपे। बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर आरोन में किया गया विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं पर अत्याचार एवं हिंदुओं के मंदिरों में हो रही तोड़फोड़ के विरोध में गुना जिले में सकल हिंदू समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था एवं विशाल विरोध प्रदर्शन रैली निकाली गई थी। इसके बाद जिले के आरोन में भी सकल हिंदू समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, विशाल रैली निकाली गई, जो कि नगर के दास हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्ग से होकर संकादिक आश्रम पर समापन हुआ।